नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र देशमुख, महिंद्रा ट्रैक्टर्स की प्रस्तुति सो द फ्यूचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाल ही में इसके तीसरे एपिसोड में हमने हाईटेक हॉर्टिकल्चर के बारे में चर्चा की थी, साथ ही साथ हमने फेसबुक पे कंटेस्ट भी चलाया था जिसमें आप सभी ने हमें महत्वपूर्ण सवाल भेजे थे। उनमें से दो विजेता हमने चुने हैं जिनके सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो मित्रों, यह है हमारे पहले विजेता श्री एकनाथ अमोब जी। नमस्कार। एकनाथ जी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है और तकरीबन 9 साल से अपनी खेती कर रहे हैं। खेती में पैच का उत्पादन लेते हैं, उसके साथ साथ पैच का बीजोत्पादन जिसे सीड प्रोडक्शन भी कहते हैं वो भी करते हैं, उसका मार्केटिंग भी करते हैं। तो चलो जानते हैं उनके सवाल क्या है। सर, एग्जॉटिक वेजिटेबल के बारे में मेरे दो सवाल है। जी कि एग्जॉटिक वेजिटेबल के लिए मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए और वो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। और मेरा दूसरा सवाल वो है, क्या एग्जॉटिक वेजिटेबल ओपन फील्ड में ले सकते हैं या इसके लिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जरूरी है। जी तो आपका पहला सवाल ये था कि एग्जॉटिक वेजिटेबल कल्टिवेशन करना है और उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री होना चाहिए, 15 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो फसल को हानि हो सकती है। और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 या 26 डिग्री तक चल सकता है, उसके ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो भी फसल को तकलीफ हो सकती है। तो मिनिमम टेम्परेचर 15 और मैक्सिमम 25, ये अगर टेम्परेचर है तो आप एग्जॉटिक वेजिटेबल का कल्टिवेशन कर सकते हो। दूसरा आपका सवाल था कि ओपन फील्ड में हो सकता है एग्जॉटिक वेजिटेबल या उसके लिए पॉली हाउस की ज़रूरी है। तो पॉली हाउस में आप साल भर कर सकते हो अगर फुल्ली कंट्रोल ऑटोमेशन किया है, और फुल्ली कंट्रोल अगर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस है तो उसमें साल भर आप कर सकते हो। लेकिन ओपन फील्ड में भी आप कर सकते हो, क्योंकि जिस गांव से आप हैं, जुन्नर से, वहां पे क्लाइमेट इतना अच्छा है, तो ओपन फील्ड में भी आप ये कर सकते हो एग्जॉटिक वेजिटेबल। धन्यवाद सर। तो मित्रों, ये थे एकनाथ जी। चलो मिलते हैं अभी दूसरे विजेता से, आइए। अभी हम आए हैं श्री राहुल शेट्टे जी के खेत पे। राहुल शेट्टे जी हमारे दूसरे विजेता है और आपको जान के खुशी होगी कि गन्ने की खेती करते हैं, अनार की खेती करते हैं और अंगूर भी उगाते हैं। जानते हैं उनके क्या सवाल है। राहुल जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए आपके क्या सवाल है। मेरे को ग्राफ्टेड टोमेटो प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए और मेरे पानी में क्षार सॉल्ट्स बढ़ गए, उसको कैसा कम करना है इसके बारे में जानकारी चाहिए। काफ़ी अहम सवाल है। ग्राफ्टेड टोमेटो का इस्तेमाल किसानों ने करना चाहिए, वो इसलिए कि ग्राफ्टिंग जब किया जाता है तो नीचे का जो रूट स्टॉक होता है वो वाइल्ड वेराइटी का यूज़ किया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो जिसे कहते हैं वो ज़्यादा होती है। तो उसके वजह से जो सॉइल बोर्न डिसीजेस है, जो ज़मीन में से जड़ के माध्यम से रोग होते हैं पौधों को, फसल को, वो नहीं होते हैं। तो इसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर काफ़ी मात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एंड जो ICR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है दिल्ली में, काफ़ी मात्रा में इसके ऊपर संशोधन अनुसंधान हो चुका है और ये किसान ने करना ज़रूरी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप छोटे पैमाने पे इसका सैपलिंग, इसका ग्राफ्ट लाके आप टोमेटो का प्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि पानी में आपके क्षार हैं, जो आपका कुएं में से जो पानी आप निकाल रहे हो सिंचाई के लिए उसमें क्षार है, उसका कारण ये है कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो चुका है। गन्ने की खेती की जाती है, उसमें भारी मात्रा में यूरिया दिया जाता है, फिर पानी बहुत दिया जाता है, तो ये सब गलत बातें हैं। एक तो सॉइल एनालिसिस करके खाद देना चाहिए, कम मात्रा में देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि ठिबक सिंचन के माध्यम से, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन गन्ने में यूज़ होना चाहिए और उसके माध्यम से 100% वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर जो है, विद्राव्य खत जिसको बोलते हैं, या पानी में घुलनशील जो खत उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, उसका प्रयोग होना ज़रूरी है, वो होता नहीं है। और उसके वजह से पानी के साथ में आपके कुएँ में क्षार आ गए, सॉल्ट्स आ गए। अभी अगर इसको रेक्टिफाई करना है, इसको पानी की क्वालिटी सुधारने का है आपको, तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही एक ही जवाब है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। आपका खेत जो है उसमें आप फार्म पॉन्ड करिए प्लास्टिक लाइनर डाल के, और बारिश का पानी उसमें जमा कीजिए जो फ्रेश वाटर है, और ये फ्रेश वाटर पम्प करके अगर आप कुएं में छोड़ते हो तो कुएं में का जो आपका EC बढ़ गया है सॉल्ट्स के वजह से वो कम हो जाएगा और आपका पानी का क्वालिटी सुधर जाएगा, और वो अगर आपने अंगूर को दिया तो उत्पाद भी बढ़ेगा और उसका दर्जा भी बढ़ेगा। धन्यवाद। ये थे श्री राहुल शेट्टे जी हमारे दूसरे विजेता। अभी अन्य कुछ और सवाल है जिसके जवाब हम देना चाहेंगे। तो मित्रों, लखनऊ से राम केवल रावत जी पूछते हैं, अगर 10-15 बीघा से भी कम जमीन हो तो क्या उसमें बागवानी खेती हो सकती है। 100% हो सकती है, लेकिन वाटर एंड सॉइल
का सैंपल लेके उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ज़मीन में भी आप कर सकते हो, छोटा सा ग्रीन हाउस कर सकते हो, या हाइड्रोपोनिक सिस्टम का भी इस्तेमाल करके आप बागवानी खेती कर सकते हो। एक आखिरी सवाल जो बिहार पटना से है, विभूति शर्मा जो एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है, वो जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की खेती या बागवानी खेती क्या उनके गांव में भी हो सकती है। तो इसका जवाब यह है कि 100% हो सकती है, लेकिन आपके पास में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी खुद की खेती, पानी 24 घंटे पानी चाहिए, और पावर इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में होना चाहिए। चौथी बात यह है कि ग्रीन हाउस के माध्यम से, पॉली हाउस के माध्यम से आप बागवानी खेती ज़रूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपके हर सवाल का संतोषजनक जवाब देने का प्रयास हमने किया है। यदि बागवानी से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब आप चाहते हो तो हमें ईमेल करें sowthefuture@mahindra.com पे। इस वादे के साथ भविष्य में भी सो द फ्यूचर खेती से जुड़े सर्वोत्तम प्रथाएं आपके सामने लाता रहेगा। इजाजत चाहूँगा, नमस्ते।